जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज का वीडियो समर्पित है भगवान विष्णु के नाम वेद वित पर। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु का नाम वेद वित कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले नमन करते हैं जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की जय। देखिए, हर नाम का अर्थ कोई ना कोई होता है, तो वैसे ही भगवान विष्णु का एक नाम है वेदवित। अब उसका क्या अर्थ है, इसी पर ये वीडियो आज बनाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं वेदवित की पहले, तो वेदवित का अर्थ क्या है पहले समझते हैं। देखिए, वेदवित का अर्थ है कि वेदों का जानकार संपूर्ण तरीके से, मतलब ऐसी कोई तथ्य नहीं है जो उनको मालूम नहीं है वेदों के बारे में। और वेद विशारद भी वेदवित को कहते हैं। तो वेदवित का अर्थ ये हुआ कि वेदों की हर छोटी छोटी जानकारी भी रखने वाले या वेद विशारद, मतलब वेदों के मास्टर को वेदवित कहा गया है। अब भगवान विष्णु जो हैं, उनसे बड़ा ब्रह्मांड में ना कोई वेद विशारद है ना होगा। दूसरा, भगवान विष्णु जो हैं, छोटी से छोटी वेदों की बातें भी की जानकारी रखते हैं, इसीलिए प्रभु को वेदवित कहा गया है। तो भगवान विष्णु को वेदवित इसलिए कहा गया है क्योंकि संपूर्ण जानकारी वेदों की उनके अलावा की और ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, और वो और उनसे बड़ा कोई वेद विशारद कोई इस ब्रह्मांड में है नहीं, इसलिए हम इनको वेदवित कहते हैं। अब देखिए, एक भगवान विष्णु का मंत्र है इसी नाम का, वह है ओम वेदवित्ये नमः। पढ़ना कैसे है, ओम वेदवित्ये नमः, ओम वेदवित्ये नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को आंख बंद करके 15 से 20 मिनट पढ़ सकते हैं। मंत्र शुरू होने से पहले, करने से पहले भगवान गणेश का नाम ले 5, 7 या 11 बार। पीले आसन पर जरूर बैठें, पीला वस्त्र कोई ना कोई धारण करें, धूप बत्ती जरूर जलाएं और हो सके तो घी का दिया जरूर जलाएं, और इस प्रकार से भगवान विष्णु के इस नाम की पूजा करिए। तो देखिए, आज हमने आप बताया इस वीडियो में कि भगवान विष्णु को वेदवित क्यों कहते हैं। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, विनती ये है कि शेयर करिए, लोगों को बताइए। तो अब हमें आज्ञा दें, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की।